हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं आपके लेके आया है वॉर्म फ्रेश प्लस सिरप का फुल रिव्यू। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी इस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ठीक से डिटेल में मिल सके। दोस्तों बात की जाए वॉर्म फ्रेश प्लस सिरप की, तो इसे जो है आप कह सकते हैं स्मार्ट लेबोरेटरीज बनाती है। और बात की जाए इसके मेनली कंटेंट्स की, तो इसमें जो है आइवरमेक्टिन और अल्बेंडाजोल जो है प्रेजेंट है। ठीक है, बात की जाए इसके मेन काम की, तो दोस्तों बच्चों में जो आप कह सकते हैं कि वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं ज़्यादा मीठा खाने से या फिर ज़्यादा चॉकलेटी वगैरह खाने से, तो उस टाइम जो है पेट में वॉर्म्स जो है बनते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा जो है भूख नहीं लगेगा उसको, या फिर आप कह सकते हैं पेट दर्द होएगा, मरोड़ होगा, तो ऐसी जो है शिकायतें होती रहती है। ठीक है, और वॉशरूम करेगा तो उस वहाँ पे भी जो है वॉर्म्स आपको दिखेंगे। तो ऐसे कोई भी सिचुएशंस में जो है बच्चों को ये दवा दी जाती है। ठीक है, नॉर्मली 6 महीने के इंटरवल में एक बार जो है इसे दिया जाता है, और नॉर्मली 3-4 साल के ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है, अगर उससे कम है तो प्लेन वॉर्म फ्रेश आता है वो दिया जाता है। ठीक है, आप अपने वही एज और वेट के हिसाब से जो है डॉक्टर को कंसल्ट करके लिए बेहतर होगा, या फिर अपने नज़दीकी केमिस्ट शॉप से जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात कीजिए इसके कॉमन जो है साइड इफेक्ट्स की, तो उसमें जो है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, इचिंग जैसे जो है साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो आप जो है जल्द से जल्द अपने डॉक्टरों से जो है मिल सकते हैं। और बात किया इसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स की, तो दोस्तों एबीडी प्लस हो गया, ठीक है, फिर बैंडी प्लस है, जेंटल है, तो दोस्तों ये सब जो है इसके अल्टरनेटिव्स आते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये अच्छे कंपनी की दवा है, तो आप जो है इसे मेडिकल शॉप से जो है ले सकते हैं, और नॉर्मली ये आपको 30-40 रुपये के आसपास जो है मिल जाएगी। ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए।